नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PhD क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेक ही निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में BTSC ANM 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले, जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, BTSC आयोग की तरफ से और पटना हाईकोर्ट की तरफ से BTSC ANM 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आ रहा है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो BTSC ANM 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं काउंसलिंग के आधार पर यह वैकेंसी क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं जो पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकल के आई है। क्या केस मर्ज हो गया है जो BTSC द्वारा जारी किया गया है या केस मर्ज नहीं हुआ है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों जो BTSC आयोग के द्वारा जो टोटल 6 केस किया गया था, BTSC आयोग जो 6 केस किया था, तो आज सभी को पता था आज केस मर्ज हो जाता, बट आज केस मर्ज नहीं हुआ है। क्यों नहीं मर्ज हुआ है? क्योंकि इसका हेयरिंग डेट नहीं मिला था, बिना हेयरिंग डेट से केस मर्ज नहीं होता। इसलिए दोस्तों आज केस मर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि कल 2 दिन जो है कोर्ट बंद था, तो 2 दिन में जो केस पेंडिंग है वही केस को आज देखा गया है, समझे कि नहीं। और जो BTSC द्वारा टोटल 6 LPA फाइल किया गया है, इसको आज मर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि इसको मर्ज अब 18 ही को हो पाएगा, वो भी BTSC आयोग के अगर वकील चाह लेगा तो मर्ज होगा, नहीं तो अलग से फिर से इसका सुनवाई होगी। इसलिए थोड़ा भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है। और अभी तो एक ही दिन के लिए आज ही खुला है, फिर कल और परसों तो कोर्ट बंद ही रहेगा, कि भाई 18 को खुलेगा, तो समय तो मिल नहीं पाया। और आज जो है जो पेंडिंग में जो केस था उसी को देखा गया, तो BTSC ANM 10709 पोस्ट में जो BTSC के द्वारा जो है टोटल 6 केस किया गया है, इस पर आज चर्चा भी नहीं हुई है। इसलिए आपको हैरान और परेशान नहीं होना है, अब 18 को इस पर सुनवाई होगा और 18 को ही केस मर्ज होगा, उसके बाद फिर से एक डेट दिया जाएगा, उसमें जाकर फाइनल होगा। इसलिए थोड़ा भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा भी परेशान नहीं होना। दूसरी बात जो है, स्क्रीन पर जो देख रहे हैं नोटिस, इसको लोग वायरल कर रहा है, गलत तरीका से इसको बताया जा रहा है, क्योंकि यह नोटिस वही है जो सभी केस को मर्ज कर दिया गया था 10 तारीख को, वही नोटिस को सब दिखा रहे हैं। और पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो ओरल नोटिस जो जारी किया गया था, वही ओरल नोटिस है, उसमें लोग गलत तरीका से इसको बता रहा है, इसमें सभी केस को मर्ज कर दिया गया है, यही नोटिस को लोग गलत तरीका से वायरल कर रहा है। इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। आज केस मर्ज नहीं हुआ तो 18 को जो है सुनवाई भी होगा और 18 केस मर्ज भी हो जाएगा, उसके बाद एक डेट मिलेगा जिसमें जाके फाइनल हो जाएगा, फाइनल जजमेंट पटना हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया जाएगा। इसलिए थोड़ा भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान नहीं होना। आपको भी पता है जो 10 अप्रैल को जो सुनवाई हुआ था, उसके बाद सभी केस को मर्ज कर दिया गया था और पटना हाईकोर्ट द्वारा ओरल नोटिस जारी किया गया था, वही ओरल नोटिस को लोग वायरल कर रहा है, गलत तरीका से बताया जा रहा है। ये ओरल नोटिस में जितना केस मर्ज हुआ है, इसी के आधार पर जो है पटना हाईकोर्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट की तरफ से जो है, मतलब उसी के तरफ पटना हाईकोर्ट फाइनल जजमेंट देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, जिसको जितना समझ है उसी आधार पर लोग जो है समझा रहा है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे ही पटना हाईकोर्ट क्लियर करेगा तो सभी लोग को पता चल जाएगा जो क्या पटना हाईकोर्ट, जितना एविडेंस हम लोग को द्वारा लगाया गया यही एविडेंस काफ़ी है, समझे कि नहीं। इसलिए आपको गलत एक्टिविटी देखना ही नहीं है, जो टोपी पहनाने काम करता है उसको आपको देखना ही नहीं, वो इन्फॉर्मेशन लेना ही नहीं है। और आज केस मर्ज नहीं हुआ है तो बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, हर चीज़ देंगे कि केस इसलिए मर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार भी चाह रहे हैं और आयोग भी चाह रहा है जो क्वालिफाइड स्टूडेंट को ज्वाइनिंग हो, इसलिए सरकार अब केस मर्ज नहीं करना चाह रहे हैं। अब जो BTSC आयोग के द्वारा जो टोटल 6 LPA फाइल किया गया, वो अलग से सुनवाई होगी, इसमें मर्ज नहीं होगा, अलग अलग तरीका से लोग अपना जो है बात रखेंगे और आपको बताएंगे। आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा भी आपको परेशान नहीं होना है, जिसको जितना समझ है उतना ही बताएं। तो आज जो है पिछले 2 दिन से जो कोर्ट बंद है, तो वही पेंडिंग केस को देखा गया है, आज BTSC ANM 10709 बोला केस पे जो है चर्चा भी नहीं हुई है, नहीं कुछ सुनवाई हुआ है, समझे कि नहीं। तो इसलिए 18 को आपको जो है सुनवाई भी होगा और 18 केस मर्ज भी होगा, उसके बाद एक आपको डेट मिलेगा जिसमें जाकर क्लियर होगा। इसलिए थोड़ा भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान नहीं होना। आप लोग जो परेशान थे सर, आज अगर केस मर्ज हो जाएगा तो 18 फाइनल हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आपको जो 18 का सुनवाई है और जब हेयरिंग डेट रहता है तो जो जिस हेयरिंग डेट रहता है वही हेयरिंग डेट में जो है वही केस मर्ज होता है। इसका तो आज हेयरिंग डेट था नहीं तो फिर एकाएक मर्ज कैसे होता, इसीलिए मर्ज नहीं हुआ। और 18 का हेयरिंग डेट है तो जो केस हुआ है इसी से रिलेटिव 18 का जो हेयरिंग है हर चीज़ है सुनवाई है तो उस दिन आपको मर्ज हो जाएगा, समझे कि नहीं। इसलिए थोड़ा भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा भी आपको परेशान नहीं होना। तो यही हम आपको अपडेट दे दिए हैं, जो आज केस को मर्ज नहीं हुआ टोटल जो है 18 तारीख को सुनवाई भी होगा और केस मर्ज भी होगा। 18 के बाद आपको एक डेट मिलेगा जिसमें फाइनल आपको पटना हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट दिया जाएगा। तो यही अभी अपडेट निकल के आई जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने के प्रयास किए। गला फंसा हुआ है फिर भी हम बोलने का कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। उसके बाद नाइट में लाइव आते हैं तो नाइट में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रीज़न क्या था, क्यों नहीं मर्ज हो पाया, बहुत सारा रीज़न हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए और अपने भाई का जो टारगेट उस टारगेट को पूरा कीजिए, क्योंकि आप लोग भाई का टारगेट को अचीव नहीं करते हैं। तो चलिए थैंक यू, फिर नाइट में 10 PM में मिलते हैं। जो अभी अपडेट आया वही हम आपके बीच शेयर किए।